हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्शंस मॉम कॉर्नर। तो अभी हम लोग मार्केट से आ चुके हैं, टाइम हो रहा है ये, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने गए थे हम लोग। अब वीकली ही जाते हैं हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने, तो और थोड़ी सी ग्रोसरी भी लाए हैं, बट ग्रोसरी तो अभी हमने रख दी है, अभी उसको सैनिटाइज नहीं किया है। लाइक आप मैगी देख सकते हैं पीछे, ऐसे ही बहुत सारा सामान है, और सारी चीज़ों को अभी हमने वॉश कर लिया है, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितने हैं। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कि मैं क्या क्या लाई हूँ आज। ये है ग्रेप फ्रूट्स, और ये है मैंगोज। ये आज ही वॉश करके, आज ही हम नहीं खाने वाले हैं कुछ, एटलीस्ट 24 घंटे छोड़ेंगे, लेकिन वॉश कर दिया है। वो है पाइनएप्पल, उसके पीछे भी एक दूसरे तरह का मैंगो है, और ये कुछ सब्जियां हैं। ये है ग्रेप्स, तो ये सारा कुछ है जो अभी वॉश कर दिया है। बस इनको आप फ्रिज में रखना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो इनको एक एक करके मैं वाइप करूंगी, उसके बाद ही रखूंगी। तो अभी बज रहा है 4:30, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आज लंच भी लेट हुआ है क्योंकि हम लोग मार्केट से लेट ही आए, तो चलिए फिर पार्क में मिलती हूँ, बाय। इट्स मॉर्निंग और मैं हूँ अपनी बालकनी में, अपने पौधों को पानी दे रही थी। आज है मंडे और ये सावन का सोमवार आई थिंक थर्ड है, तो सबसे पहले चलते हैं किचन में और बनाते हैं चरणामृत। चलिए, मैं आ गई हूँ किचन में, और सुबह के समय किचन का हाल कुछ ऐसा है, सारा मैस हुआ पड़ा है। तो चलिए सबसे पहले किचन क्लीन करते हैं। ये जो किचन है, ये सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद, बच्चों और हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मैस है, तो चलिए क्लीन करते हैं। सबसे पहले मैं दही लूंगी, तो दही के लिए मैं, ये कप है मेजरमेंट कप, तो इससे मैं 2 कप दही लूंगी। ये रही 1 कप दही, और अब दूसरी कप। ये हो गई 2 कप दही। अब हम इसको किसी विस्कर से ब्रश कर लेंगे, तो ये मेरे पास विस्कर है, मैं इसको ब्रश कर लूंगी। और जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं घर की बनी दही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान को इसमें स्नान करवाना है। ये देखिए इसका टेक्सचर। अब मैं इसमें एक एक करके चीजें मिलाऊंगी। जैसे सबसे पहले मैं इसमें मिला रही हूँ ये गंगा जल,
शहद मैं मिला रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून। घी मैं मिला रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून, सॉरी जो शहद था वो हाफ टेबल स्पून था। ये है पंचमेवा जिसमें है किशमिश, नारियल, चिरौंजी, काजू और बादाम। मेरे पास छुहारा नहीं था वरना मैं छुहारा ऐड करती। और ये है हाफ कप। अब इन सबको मैं अच्छी तरीके से व्हिस्क कर लूंगी। साथ में हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर आप जितनी खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने 2 कप्स लिया था दही, तो मैं इसमें हाफ कप शुगर डाल रही हूँ। अब मैं इन सारी चीजों को मिक्स कर लूंगी और साथ में मैं इसमें डालूंगी ये तुलसी का पत्ता। तो ये एक इसलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत छोटी सी तुलसी जी, इतनी बड़ी तुलसी जी है, अभी यही पत्ता है जो सबसे बड़ा है, बट फॉर्चुनेटली ये मेरे पास था तो मैं ये तुलसी का पत्ता इसमें डाल रही हूँ तोड़ के। ये व्हिस्क हो चुका है और बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अगर आप इसको डाइल्यूटेड अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप ऐसे ही पी सकते हैं, इसको भगवान को चढ़ा सकते हैं, ये ऑलरेडी बहुत डाइल्यूटेड है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास 1/3 कप वाटर, मैं डाल के देखती हूँ कि मुझे कितना चाहिए। तो मैं ये पूरा ही डाल देती हूँ, 1/3 कप वाटर। ये देखिए ये बन के तैयार हो चुका है हमारा चरना है। थोड़ा गाढ़ा अच्छा लगता है, अगर आपके अपने ऊपर है, अगर आप इसमें डालना चाहें और भी वाटर तो आप ऐड कर सकते हैं। ये आ गए हमारे भगवान जी, इनको ऑलरेडी मैंने क्लीन कर लिया है अच्छी तरीके से, अब इनको इसमें मैं नहलाऊंगी। मखाना भूल गई थी मैं इसमें थोड़ा मखाना डाल ही देती हूँ अगर मुझे याद आ गया है तो। है ना, क्या फर्क पड़ेगा। और भगवान जी को मैं इसमें फिर से नहला देती हूँ एक बार। भगवान जी ने मखाना एक्सेप्ट भी कर लिया, हालांकि मैंने देर से डाला था। चलिए गिरा, परफेक्ट। मैं भगवान के इस प्रसाद का आनंद लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बहुत तेज धूप है और अभी मैं जा रही हूँ पैकेट लेने,
अभी मैं जा रही हूँ पैकेट लेने लॉकर रूम से, तो चलिए चलते हैं।